में बच्चे ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? आप लोगों को बताया गया होगा कि अगर आप लोगों को 4 या 9 इकाई के अंक पे देखने को मिलता है तो आपको सम या विषम देखना है। देखो ध्यान से, अगर मेरे दोस्त 9 की पावर आप लोगों को सम दी हुई है तो आप लोग जानते हैं इसमें यूनिट डिजिट 1 आता है, और 9 की पावर अगर आप लोगों को विषम दी हुई है तो आप लोग जानते हैं इसमें यूनिट डिजिट जो है वो 9 आता है। क्या ये बात क्लियर है? अगर यहां पे देखूं तो मेरे दोस्त यहां पे इकाई का अंक 9 है, 9 की पावर क्या दी हुई है? विषम दी हुई है, और विषम के केस में आंसर कितना आएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं दूसरी तरफ आपसे पूछूं कि भैया 4 की पावर सम होगी तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, और 4 की पावर विषम होगी तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो आप कहेंगे 4 की पावर जब सम होती है तो यूनिट डिजिट 6 आता है, और 4 की पावर विषम होती है तो यूनिट डिजिट 4 आता है। ठीक उसी तरह अगर मैं आप लोगों से पूछूं भाई साहब कि 1560 यूनिट डिजिट दी हुई है तो इनका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यूनिट डिजिट पर 1 है तो आंसर में भी 1 आएगा, यूनिट डिजिट पर 5 है तो आंसर में भी 5 आएगा, यूनिट डिजिट पर 6 है तो आंसर में भी 6 आएगा, और यूनिट डिजिट पर 0 है तो आंसर में भी 0 आएगा। बाकी अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि इकाई के अंक पे कहीं आप लोगों को 2, 3, 7, 8 दिखाई देता है तो क्या करेंगे? आप कहेंगे जी पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, और पावर को 4 से डिवाइड करने के बाद जो शेषफल बचेगा उसे इकाई के अंक पे लगा देंगे, वही हम लोगों का जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये पूरा का पूरा यूनिट डिजिट मैं आप लोगों को रिकॉल करा चुका हूं। मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों को, हाँ मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों को मेरे दोस्त कोई दिक्कत आने वाली है। ठीक है भाई, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन यूनिट डिजिट का समझूं तो मेरे दोस्त इसका मुझे जवाब बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या हो जाएगा मेरे साथी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? आप कहेंगे जब भी चीजें गुणा में लिखी हो तो इकाई के अंक की गुणा इकाई के अंक में कर लो। 8 × 2 = 16 को 6 हो जाएगा, फिर 6 की गुणा 9 में करेंगे, 9 × 6 = 54 को 4 हो जाएगा, फिर 4 की गुणा 4 में करेंगे, 4 × 4 = 16 को 6 हो जाएगा, तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे इकाई का अंक मेरे दोस्त 6 आ जाएगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर पांच आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? आरपीएफ के लिए ये प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं भाई साहब। मैथ आरपीएफ में भी यूनिट डिजिट आता है, अपरिमेय संख्या वहां भी आती है, यहां भी आती है। आप ऐसे फर्जी सवाल प्लीज मत पूछिएगा, है ना। देखिए आप लोग ये जानते हैं यहां सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी। अगर यूनिट डिजिट पर 5 है तो उसकी पावर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, 5 ही आएगा। अगर इकाई के अंक पर 6 मौजूद है तो पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता, इकाई के अंक पर 6 है तो आंसर में भी 6 आएगा, और इकाई के अंक पर अगर 1 मौजूद है तो आंसर में भी 1 ही आएगा। ठीक है, अगर मैं यहां से देखूं तो मेरे दोस्त इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 6 × 5 = 30, पीछे 0 आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब।